हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। फर्स्ट पेपर अपना चल रहा था मैथमेटिक्स अपने की, तो यूनिट फर्स्ट अपनी चल रही थी, इसमें अपन पढ़ रहे थे जड़त्वीय और जड़त्वीय निर्देश तंत्र, गैली उपाध्याय भूमिक निर्देश तंत्र में घूमता हुआ घूर्णित निर्देश तंत्र में रूपांतरण। रूपांतरण हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन रूपांतरण का मतलब होता है एक तंत्र में अगर निर्देशांक मालूम हो तो दूसरे तंत्र के सापेक्ष भी याद किए जा सकते हैं, उन रिलेशंस को अपन रूपांतरण कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आज अपन पढ़ेंगे। पहले पेपर में एक निश्चित कोण पर जो कि निर्देश तंत्र में रूपांतरण पढ़े हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक निर्देश तंत्र तो ही हो गया एस तंत्र, जिसके अक्ष हैं एक्स वाई और जेड। दूसरा निर्देश तंत्र आर है, जिसकी अक्ष हैं एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश इस तरह हैं कि जेड और जेड डैश अक्ष एक दूसरे के समवाती हैं, मूल बिंदु भी एक ही जगह पर है समवाती। ये थीटा से विस्थापन हो रहा है, घूमता हुआ निर्देश तंत्र है, इन कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। आर का रोटेशनल की वजह से आर रख दिया, चाहे तो एस और एस डैश रख सकते हैं। थीटा बराबर ओमेगा टी होता ही है, ये घूमता हुआ निर्देश तंत्र है, इसमें किसी बिंदु पी निर्देशांक दोनों तंत्रों में क्या करते हैं अपन एस तंत्र में एक्स वाई जेड लेते हैं और आर तंत्र में एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। अब इनका रूपांतरण अपन पहले कर चुके हैं, थीटा कोण पर जो कि पहले आगे देते हैं माना निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष। निर्देश तंत्र आर ओमेगा कोणीय वेग से ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है, जिनके मूल बिंदु एवं जेड अक्ष संपाती हैं। संपाती मतलब जेड अक्ष दोनों के एक ही जगह पर, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है थीटा का, और मूल बिंदु भी एक ही बिंदु पर है। तो अपन इसके रूपांतरण पढ़ चुके हैं पहले, थीटा कोण पर जो कि निर्देश तंत्र में रूपांतरण पढ़े, वही रूपांतरण है एक्स डैश बराबर होता है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। थीटा की जगह यहाँ ओमेगा टी है, एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी। इसी तरह वाई डैश बराबर होता है वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, यानी वाई कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन। ये रूपांतरण अपन पढ़ चुके हैं पहले, और जेड डैश बराबर होता है जेड, पिछले एक वीडियो में पढ़ा दिया था मैंने, वाई डैश बराबर वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो इसके आधार पर अपन विस्थापन का वेग का कोण का रूपांतरण पढ़ेंगे। सबसे
कर रहा है, विस्थापन क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन। सबसे पहले समीकरण इसका अवकलन करो, विस्थापन निकालने के लिए समीकरण इसका अवकलन कर दो। एक्स डैश का अवकलन हो गया डी एक्स डैश, यहाँ दोनों चर हैं एक्स बी और टी बी, दोनों के साथ एक तथ्य बना है। पहले एक्स को एज इट इज रखा, कॉस ओमेगा टी का हो गया माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का हो गया ओमेगा और टी का हो गया डी टी, तो प्लस एक्स का डी एक्स हो गया कॉस ओमेगा टी एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट इनटू सेकंड में जैसे करते हैं ना वैसे। ये प्लस वाई को एज इट इज रखा, साइन का कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा हो गया डी, फिर प्लस वाई का डी वाई और साइन ओमेगा टी एज इट इज, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा सरल करके लिखते हैं, तो ये ओमेगा वाला में कॉमन ले लें अलग से और इन दोनों को एक साथ लेते हैं, तो क्या हो गया डी एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस डी वाई साइन ओमेगा टी, और इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया ओमेगा और डी टी कॉमन ले लिया, क्या बचा प्लस ओमेगा कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से बचा वाई कॉस ओमेगा टी और यहाँ से बचा माइनस का एक्स साइन ओमेगा टी और डी टी भी क्या इसमें कॉमन, ठीक है। अब इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से समीकरण दो से y cos omega t minus x sin omega t की जगह लिख सकते हैं y dash, इसकी जगह y dash लिख सकते हैं, तो dx dash बराबर हो गया dx cos omega t plus dy sin omega t plus omega, इसकी जगह क्या हो गया y dash dt, इसको समीकरण नंबर 1 में लिख दिया चार। तो ये एक्स दिशा में विस्थापन का रूपांतरण होता है, ठीक है। ऐसे ही वाई दिशा में निकालना है तो समीकरण दो का अवकलन कर दो, तो समीकरण दो का अवकलन करो इसी तरह से, समीकरण दो का अवकलन कर दो, दो का करेंगे y डैश का हो गया dy डैश बराबर, इसमें कोई दो चर है y और t, पहले y को एज इट इज रखा cos का हो गया माइनस साइन ओमेगा t ओमेगा t का ओमेगा, ठीक है। फिर प्लस y का dy cos ओमेगा t एज इट इज, फिर इसके बाद माइनस x को एज इट इज रखा साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी ओमेगा टी का ओमेगा और टी का हो जाएगा यहाँ भी टी का डी टी, फिर माइनस एक्स का डी एक्स और साइन ओमेगा टी एल, ठीक है। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लो, इनको पहले एक साथ लेते हैं डी वाई कॉस ओमेगा टी माइनस dx sin ओमेगा, इन दोनों में कॉमन ले लो, क्या कॉमन हो गया दोनों में माइनस ओमेगा कॉमन हो गया, तो क्या बचा यहाँ से x cos ओमेगा t और यहाँ से बचा प्लस y sin ओमेगा t और dt भी कॉमन है। अब देखो x cos ओमेगा t प्लस y sin ओमेगा t ये कर सकते हैं हम dy डैश के बाद कितना हो गया हमारा dy cos ओमेगा t माइनस dx sin ओमेगा t माइनस ओमेगा, इसकी जगह आ जाएगा x डैश और dt, यही यहाँ पे दोनों के साथ, तो
ये अपना समीकरण नंबर कितना है इसको 5, तो ये y दिशा में स्थापन है। फिर z के अनुदेश समीकरण 3 का प्रयोग कर दो, 3 का अवकलन करेंगे इसका तो सिंपल है डायरेक्टली dz डैश बराबर विस्थापन के रूपांतर में होते 4, 5 और 6, ठीक है। अब विस्थापन के बाद हम करेंगे वेग का रूप, वेग का रूप, वेग क्या होता है, विस्थापन का अवकलन, विस्थापन में पास है dx डैश अपॉन dt, समीकरण 4 में है, 4 से लिखो dx डैश अपॉन dt, इन dt का भाग लिखो समीकरण 4, क्या आएगा dx अपॉन dt cos ओमेगा t प्लस dy अपॉन dt sin ओमेगा t प्लस ओमेगा y, यहां से dt कट जाएगा। dx upon dt डैश को लिख सकते हैं ux डैश बराबर ये हो गया ux cos omega t, ये हो गया uy sin omega t और ये omega y डैश, ये x घटक हो गया वेग के रूपांतरण का समीकरण नंबर 7। अब y दिशा में निकालेंगे समीकरण 5 से निकाल सकते हैं, समीकरण 5 से वही समीकरण 5 में dt का भाग देगा तो dy डैश अपॉन dt बराबर dy अपॉन dt cos ओमेगा t माइनस dx अपॉन dt sin omega t और माइनस omega x डैश, ठीक है। तो ये हो गया dy डैश, ये हो गया dy cos omega t, ये हो गया dy sin omega t और ये माइनस omega x डैश, समीकरण नंबर हो गया 8। y दिशा में वेग का घटक हो गया, अब z दिशा में निकालने के लिए समीकरण 6 से इसमें dt का भाग दे दो तो dz डैश अपॉन dt बराबर dz अपॉन dt, ये uz डैश हो गया बराबर uz, तो इस तरह से अपन वेग के रूपांतरण ज्ञात कर लिए तीनों स्थितियों में x दिशा में, y दिशा में और z दिशा में। अब वेग के बाद निकालेंगे हम त्वरण का रूप, वेग के रूपांतरण हो गए समीकरण 7, 8, 9, अब निकालेंगे त्वरण का रूपांतरण, त्वरण क्या होता है, वेग का अवकलन होता है, त्वरण का रूपांतरण। तो सबसे पहले x दिशा में निकालेंगे समीकरण 7 का अवकलन करो t के साथ, समीकरण 7 का t के साथ अवकलन करेंगे, सात का अवकलन कर दो t के सापेक्ष, ठीक है। तो d upon dt of ux dash बराबर, अब दोनों ही जाने ये भी एक एक करके करेंगे, पहले इसका ux पहले भी करता
कॉस ओमेगा टी का हो गया माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा टी का ओमेगा डी की तुमने यहाँ लिख दिया प्लस यू एक्स का हो गया डी यू एक्स अपॉन डी टी अपन कर रहे हैं ये टी के साथ एक्स कॉस ओमेगा टी एज इट इज ठीक है। फिर यहाँ पे चलो प्लस पहले यू वाई का जब लिखा था साइन का अपन हो गया कॉस ओमेगा टी का ओमेगा। फिर इसके बाद यू वाई का हो गया डी यू वाई अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी एज इट इज ओके। प्लस ओमेगा वाई डैश का हो गया डी वाई डैश अपॉन डी टी। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख देते हैं डी अपॉन डी टी ऑफ यू एक्स डैश बराबर यहाँ कॉमन है वो ले लो पहले इनको लिख लो एक साथ डी यू एक्स अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी प्लस डी यू वाई अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी ये वाला मत होगा और इन दोनों में कॉमन है ओमेगा तो दोनों में ओमेगा कॉमन ले लिया। क्या बचा यहाँ सोचा यू वाई कॉस ओमेगा टी ठीक है और यहाँ से बचा माइनस का यू एक्स साइन ओमेगा टी और प्लस लास्ट में ये ओमेगा डी वाई डी एक्स अपॉन। अब इसको हम लिख देते हैं डी एक्स डैश तुरंत हो गया ना एक प्लस समय के साथ अवकलन इसको लिख दिया हमने डी एक्स कॉस ओमेगा टी इसको हमने लिख दिया ए वाई यू वाई क्वांटिटी वाई दिशा में त्वरण साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा। अब ये जो कोष्टक की संख्या है इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं देखो कहीं मिलेगा समीकरण आ यू वाई कॉस ओमेगा टी माइनस यू एक्स साइन ओमेगा टी जो इस कोष्टक के अंदर है ना वो यहाँ है देखो यू वाई कॉस ओमेगा टी माइनस यू एक्स साइन ओमेगा टी ये क्या जाएगा इसको बदल दिया कुछ आने करके यू वाई डैश प्लस ओमेगा एक्स डैश क्या गया यू वाई डैश प्लस ओमेगा एक्स डैश इसको यहाँ ले आएंगे अगर प्लस रहेगा ना यू वाई डैश प्लस ओमेगा एक्स डैश प्लस लेके लिख दिया और प्लस ओमेगा और यू वाई डैश अपॉन डी टी क्या हो गया यू वाई डैश हो गया वाई डैश का टी की जगह टक्कर हो गया ना बी यू वाई डैश कुल मिला कितना आ गया एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस ए वाई साइन ओमेगा टी और ओमेगा का यहाँ यू वाई डैश होना होगा ये भी ओमेगा यू वाई डैश डबल हो गए टू ओमेगा यू वाई डैश और यहाँ ओमेगा ओमेगा बना होंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स डैश तो ये हमारा त्वरण का रूपांतरण आ गया एक्स दिशा में त्वरण का रूपांतरण इसको समीकरण नंबर लिख दिया हमने दस ठीक है। अब वाई दिशा में निकालते हैं तो वाई दिशा में निकालने के लिए इसका अवकलन करेंगे समीकरण आठ इसको हटा देते हैं यहां से समीकरण आठ पर टी के सापेक्ष अवकलन समीकरण आठ का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर टी के सापेक्ष करेंगे डी अपॉन डी टी और यू वाई डैश बराबर दोनों चले अलग अलग करना है पहले यू वाई का अलग कर सकता कॉस का अवकलन माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा टी का ओमेगा। फिर इसके बाद यू वाई का करेंगे तो डी यू वाई अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी एज इट इज ठीक है। फिर यहाँ माइनस पहले यू एक्स का अलग कर सको और साइन का अवकलन हो गया ओमेगा कॉस ओमेगा टी
डी अपॉन डी टी ऑफ यूआई डैश बराबर हो गया, इनको पहले लिख लो, डी यूआई अपॉन डी टी कॉस माइनस टी माइनस डी यूएक्स अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। इतना मैं कॉमन ले लो ओमेगा, माइनस का ओमेगा कॉमन ले लिया, क्या बचा ui sin omega t प्लस यहां से ux cos omega t और लास्ट में ये omega dx tan upon dt। ठीक है, अब ये y दिशा में वेग का अवकलन समय के साथ क्या बन गया, त्वरण बन गया, इसमें क्या लिख देंगे ay dash बराबर ये क्या हो गया ay cos omega t, ये x दिशा में यूएक्स अपॉन डीटी एक्स समीकरण हो गया एक्स इंटू इसको साइन ओमेगा टी और माइनस ओमेगा, इसकी जगह क्या लिखोगे देखो यहां से यह एक समीकरण था यू वाई साइन ओमेगा टी प्लस यूएक्स कॉस ओमेगा टी, इसकी जगह क्या आएगा इसको जब पक्षांतर में लिखेंगे यूएक्स डैश माइनस ओमेगा वाई डैश साथ है हमारा ये वाला मान देखो उस तक का ये रहा यू वाई साइन ओमेगा टी प्लस यू एक्स कॉस ओमेगा टी, इसकी जगह इसको बदल लाएंगे यू एक्स डैश माइनस ओमेगा वाई डैश, कुल मिला कितना हो गया ये वाई डैश बराबर ए वाई कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी और एक लास्ट पद और है हमें ओमेगा dx dash upon dt पे लिखेंगे ux dash, अब कलन है स्थिति का समय के साथ वेग हो गए ओमेगा ux dash और ओमेगा ux dash डबल हो गए माइनस ओमेगा ux dash और ये माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय dash। ये ए बाय डैश हो गया समीकरण नंबर स्थिति हमने 11 10 और 11 दोनों क्या हो गए x और y दिशा में त्वरण के घटक हैं और z दिशा में निकालना है तो समीकरण 9 का t के सापेक्ष अवकलन कर दो, समीकरण 9 का t के सापेक्ष अवकलन कर दो, टी का सबके सापेक्ष करेंगे 9 का क्या आएगा डी अपॉन डी टी ऑफ यूजर डैश बराबर डी अपॉन डी टी ऑफ यूजर, ये क्या हो गया जेड समीकरण यूजर डैश बराबर ए जेड, ये समीकरण नंबर 10 11 और ये 12। तीनों दिशाओं में त्वरण का रूपांतरण आ गया, ax dash बराबर हो गया हमारा ax cos omega t plus ay sin omega t plus 2 omega u y dash cos omega square x dash, ay dash का मान हो गया हमारा ay cos omega t minus ax sin omega t minus 2 omega u x dash plus omega square y dash, और z दिशा में त्वरण है इस तरह से। अब अपन इसके बाद देखें कि मान लीजिए निर्देश तंत्र एस ऐसा है जड़त्वीय तंत्र है, तो विस्थापन का रूपांतरण हो गया, वेग का हो गया और त्वरण का हो गया। अब माना यदि निर्देश तंत्र एस, निर्देश तंत्र एस है ना जो स्थिर है, आर घूम रहा है एक्स के सापेक्ष ओमेगा कोण है से, तो निर्देश तंत्र एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, कैसे निर्देश तंत्र है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और जड़त्वीय क्या होता है मैंने पहले बताया आपको, इसमें जड़त नियम का पालन हो यानी बाह्य बल की अनुपस्थिति में अगर बल नहीं लग रहा हो तो त्वरण क्या हो जीरो, अर्थात
महेबल की अनुपस्थिति में। करण शून्य है, एस तत्व में करण शून्य है, मतलब करण के सारे घटक जीरो, एक्स जीरो, एवाई जीरो, ठीक है ना। एस जो तंत्र है वो जड़कीय मान रहे हैं, तो जड़कीय में महेबल की अनुपस्थिति में करण के अगर शून्य होता है तो करण के घटक जो होंगे ए एक्स ए वाई ए जेड वो सब क्या होंगे, जीरो होंगे। तो अगर ए एक्स ए वाई ए जेड के मान जीरो है समीकरण 10, 11, 12 से क्या जन्म लेगा, समीकरण 10, 11 और 12 से तीनों से लिखते हैं एक बार, पहले 10 से लिखे हैं। ax डैश बराबर क्या है, ax का मान 0 हो गया है ये खत्म, ay का मान 0 हो गया है ये खत्म, लेकिन ये बचेगा 2 ओमेगा uy डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर x डैश। फिर ay डैश बराबर क्या आएगा, ये ay डैश, इसमें ay का मान 0 है इसलिए ये खत्म, ax का मान 0 है इसलिए ये खत्म, लेकिन ये बचेगा यानी कि माइनस 2 ओमेगा ux डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर y डैश। और तीसरा az डैश ये 0 आएगा, एंड त्रिकोण का कलेक्शन अपने पास ये आया है समीकरण नंबर इसको लिख देते हैं 13। तो समीकरण 13 क्या शो कर रहा है, समीकरण 13 ये बता रहा है कि निर्देश तंत्र s डैश के सॉरी r के सापेक्ष, r जो अपना घूर्णन कर रहा है s के सापेक्ष, उस घूर्णन पढ़ते हुए निर्देश तंत्र में त्वरण के मान 0 नहीं है, केवल एक घटक 0 है z वाला, लेकिन बाकी घटक 0 मान मान आ रहा है क्या, अगर ये भी 0 हो जाते हैं ax डैश ay डैश az डैश के मान भी अगर क्या हो जाते, 0 हो जाते तो ये भी तंत्र कैसा होगा, जड़त्वीय, क्योंकि जड़त्वीय निर्देश तंत्र वो होता है जिसमें बाहेबल की अनुपस्थिति में वस्तु त्वरण रहित दिखाई दे, यानी बल का मान अगर 0 है तो त्वरण भी क्या हो, 0। तो s तंत्र तो जड़त्वीय है ही, वहां त्वरण 0 है ही, लेकिन आर तंत्र में त्वरण 0 प्रेक्षित नहीं हो रहा, इसका मतलब बाहेबल की अनुपस्थिति में भी त्वरण का कोई ना कोई मान है। कैसे निर्देश तंत्र हुआ, आर है जड़त्वीय निर्देश तंत्र हुआ, यह लिख सकते हैं समीकरण 13 से स्पष्ट है कि निर्देश तंत्र आर में बाहेबल की अनुपस्थिति में भी वस्तु त्वरित प्रेक्षित होती है, वस्तु त्वरित प्रेक्षित होती है, बाहेबल नहीं है, त्वरण 0 होना चाहिए, लेकिन त्वरण है, इसका मतलब निर्देश तंत्र आर कैसा हुआ, है जड़त्वीय निर्देश तंत्र हुआ। इसका तात्पर्य है कि इसका तात्पर्य है कि घूर्णित निर्देश तंत्र जो घूम रहा है, घूर्णित निर्देश तंत्र आर एक है जड़त्वीय निर्देश तंत्र हुआ, है जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा, ठीक है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि जो एस तंत्र के सापेक्ष अगर कोई नियत कोण या वेग से घूर्णन करता हुआ निर्देश तंत्र है वो कैसा होगा, है जड़त्वीय। इसीलिए पृथ्वी जो कि एक घूर्णित निर्देश तंत्र है अन्य ग्रह की सापेक्ष क्या मान जाता है उसको अपन, है जड़त्वीय। घूर्णन करते निर्देश तंत्र में या त्वरित गति करते निर्देश तंत्र में पहले के एग्जाम्पल में तुम लोगों को बताया था शुरू में, है जड़त्वीय निर्देश तंत्र का जड़त्वीय तो वो होते हैं या तो नियत होते हैं स्थिर होते हैं या फिर नियत वेग से गति कर रहे हों तो जड़त्वीय होते हैं,
लेकिन अगर कोई हृदय तंत्र या तो त्वरित गति कर रहा हो खुद ही, तो उसमें वस्तु की गति बाह्यबल की अनुपस्थिति में भी त्वरित प्रेक्षित होती है, या फिर हृदय तंत्र घूर्णन कर रहा हो, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, तो उसमें वस्तु का त्वरण दिखाई दे रहा है, जब उसको कह दिया त्वरण का मान जीरो नहीं है, बाह्यबल नहीं है, फिर भी त्वरण है, यानी बाह्यबल की अनुपस्थिति में भी वस्तु त्वरित दिखाई दे रही है। इसलिए जड़त्वीय निर्देश तंत्र आर कैसा हुआ, एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो।